नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रेशम एक्टर फार्मेसी। दोस्तों, जो हम बात कर रहे हैं एविल टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, इसके आपको हम मेन यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब तो दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं एविल टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं, एविल 25 टेबलेट के बारे में। तो दोस्तों, इस ये हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है। एलर्जी कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ये टेबलेट मिल जाती है दोस्तों। और इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो MRP होती है ये 20 रुपये का, आपको 30 गोलियों का पत्ता मिल जाता है 20 से 25 रुपये का हर मेडिकल स्टोर पर। और जेनिक में और इथिकल में भी अवेलेबल हो जाता है। एविल के नाम से बहुत पुराना ये ब्रांड है दोस्तों, तो एविल के नाम से सबसे ज़्यादा ये जाना जाता है। मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो सॉल्ट होता है एविल के अंदर, तो दोस्तों इसका जो सॉल्ट जो कंटेन जो केमिकल जो दवा का नाम है दोस्तों, जो सॉल्ट है वो है फिनेरामाइन मेलिटी। इसका सॉल्ट होता है, जैसे आप नीचे डिस्प्ले पे लिखा देख रहे हैं दोस्तों, फिनेरामाइन मेलिटी, जैसे आप देख रहे हैं इस पर डिस्प्ले पे, तो ये इसका सॉल्ट ये कंटेन है दोस्तों, फिनेरामाइन मेलिटी। और अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसका एविल का जो यूज़ लिया जाता है वो किस बीमारी में इसका यूज़ लिया जाता है। तो देखिए, फिनेरामाइन मेलिटी का जो यूज़ लिया जाता है वो सबसे ज़्यादा एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, तो इसका एलर्जी में ही इसका यूज़ लिया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपको किसी मेडिसिन का रिएक्शन हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। क्योंकि दोस्तों, ये दो प्रकार में ये अवेलेबल आपको हो जाती है, इंजेक्शन में और टेबलेट फॉर्म में ये अवेलेबल हो जाती है। इसका एम्पुल जो आता है 2 ml में आपको ये मिल जाता है मार्केट में, जैसे आप नीचे फोटो में देख रहे हो, टेबलेट फॉर्म में भी ये अवेलेबल होती है। तो अब मैं बता देता हूँ, तो जैसे किसी मेडिसिन की एलर्जी हो जाती है, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है टेबलेट का। वो कंडीशन के हिसाब से इंजेक्शन देना होता है तो इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर, और अगर टेबलेट देना होती है तो टेबलेट देते हैं। वो रिएक्शन के हिसाब से मालूम चलता है। अब दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि एलर्जी मतलब दवाई का रिएक्शन हो जाता है, या दोस्तों किसी कीड़े के काटने से रिएक्शन हो जाता है, या एलर्जी हो रही हो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। खुजली बुजली होती है उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है, या आपको नज़ला खांसी या आपकी आँख बहती हो, आँख लाल हो रही हो, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है एविल का। यानी कि दोस्तों, कुल मिला के एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन, तो एलर्जी में ही इसका यूज़ लिया जाता है। सांस लेने में परेशानी होती है उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है, या नज़ला होता हो आपको उस कंडीशन में इसका यूज़ काफ़ी अच्छा लिया जाता है। यानी एलर्जी कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है, किसी मेडिसिन का रिएक्शन हो जाता है उसे काटने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि एविल जो ये टेबलेट है फिनेरामाइन मेलिटी, तो दोस्तों इसके जो साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ कॉमन से होते हैं, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते। तो जैसे कि आपको दोस्तों नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, या दस्त लग सकता है, पेट में गैस बनने के चांसेस हो सकते हैं, या दोस्तों आपका सिर दर्द हो सकता है, नींद आने की शिकायत होती है इससे एविल टेबलेट को लेने के बाद में, काफ़ी ज़्यादातर लोगों को नींद आती है। तो ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं, अदरवाइज इससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सके। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ एविल के बारे में। तो दोस्तों, इसकी जो डोज़ होती है, डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसकी जो डोज़ होती है सामान्य है, इसकी डोज़ होती है दिन में से 3 बार आप ले सकते हैं, और कम समस्या होने में, कम प्रॉब्लम होने पर से दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, सुबह शाम करके और एक टेबलेट। और दोस्तों, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको दिन में 3 बार भी इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है, खाना खाने के बाद में इसे लेना होता है। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसकी जो कुछ सावधानियाँ होती हैं, तो जैसे कि मान लीजिए, जैसे गर्भवती महिला है या प्रेगनेंसी की जो तैयारी कर रही है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले, हार्ट वाले जो होते हैं वो अपने डॉक्टर की सलाह से, लीवर वाले जो होते हैं दोस्तों वो अपने बिना डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं, किडनी वाले भी अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ करें एविल का, इसके क्योंकि साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसे जो है अल्कोहल के साथ में इसका यूज़ नहीं करें, क्योंकि इसमें पहले से ही नींद आने की शिकायत होती है, नशा होता है इसमें, तो इसे के साथ में अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल ना करें। और इससे जो है दोस्तों, साइकेट्रिक डॉक्टर इसका यूज़ नहीं लेते। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ये जो एविल टेबलेट होती है दोस्तों, इसे खाना खाने के बाद में ही इसे लेना होता है। अगर आप किसी मशीन पे काम करते हैं या कार चलाते हैं, तो उस कंडीशन में इस टेबलेट को ना लें, क्योंकि आपको नींद आने की शिकायत है, आप भारी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में एविल टेबलेट का यूज़ नहीं करें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, इस एविल टेबलेट का जो सॉल्ट जो मैंने आपको भी पहले बताया, फिनेरामाइन मेलिटी होता है इसके अंदर, तो दोस्तों ये इसका जो यूज़ लिया जाता है वो एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, तो एलर्जी कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है, जिससे आपके स्किन पर दाने निकल गए हो, रैशेज हो गई हो, दवाई का रिएक्शन हो गया हो, या मान लीजिए किसी कीड़े ने काट लिया हो, कोई कीड़ा मतलब चाय के साथ में, कॉफ़ी के साथ में पी लिया, उससे रिएक्शन हो गया हो,
या किसी भी प्रकार की एलर्जी कंडीशन होती हो आपको, तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। मतलब मान लीजिए कोई मेडिसिन्स से ये रिएक्शन हो गया, उस कंडीशन में खुजली हो रही हो, नज़ला खांसी हो रहा हो आपको, तो उस कंडीशन में एविल टेबलेट का यूज़ लिया जाता है। अगर दोस्तों आपका एविल टेबलेट के बारे में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।